अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए पत्का चैनल। सो आज है माशाल्लाह से 24वां रोज़ा और अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और ये देखो पीछे ईमान गुस्सा होकर बैठा है क्योंकि उसको मोबाइल चाहिए और मैं उसको मोबाइल नहीं देती हूँ, तो थोड़ा सा बोल के पीछे पीछे क्यों बैठा है, साइड में बैठा था ना, जैसे देखा वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ पीछे आके बैठ गया। बैठ वैसे भी अच्छा दिख नहीं रहा है। तो अभी ज़ोर की अज़ान हुई, नमाज हुई और माशाल्लाह से 24वां रोज़ा भी हो गया और बस थोड़े मोटे काम हैं, अब काम ही करने हैं। ईद की तैयारी स्टार्ट हो गई है, घर साफ़ सफाई ये वो बहुत काम होते हैं, तो बस माशाल्लाह से वही चल रहा है। और आज देखते हैं क्या बनाती हूँ, वैसे आज कुछ भी नहीं है, मतलब सब ख़त्म हो गया। और अब मतलब से ना लास्ट लास्ट के रोज़ों में कुछ ना खाने का दिल होता है ना कुछ बनाने का दिल होता है, तो सेम वही हाल मेरा भी है। तो अभी कुछ भी नहीं है घर में, तो बस मैंने आज दाल भी खाई हूँ, दाल पकौड़ा बनाने के लिए, दाल बड़ा बनाने के लिए। और देखते हैं कुछ भी ना जुगाड़ करके इधर से उधर में कुछ बना लूँगी। तो यस यही होने वाला है। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अम्मू का मुंडा कैसे दिख रहा है मेरे हाथ में अम्मू गुस्सा है। तो चलिए देखते हैं। तो ये मैंने ऑयल डाली, इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली, ये थोड़ा भून गया, अब मैं इसमें एग डालूँगी। तो ये देखो मैंने अंडा डाल दिया, अब मैं इसको अच्छे से स्क्रम्बल कर दूँगी पूरा। तो ये एग जो स्क्रम्बल की वो मैंने निकाल ली और यहाँ पे सेम ऑयल में मैंने अनियन डाल दी। तो ये अनियन हो गए, मैं इसमें ये कैरेट और कैप्सिकम डाल दी, इसको थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे हम। तो ये देखो हमारी जो वेजीज है वो सॉफ्ट हो गई है, अब मैं इसे सारे सॉस डाल दूँगी। तो ये थोड़ा सा विनेगर, चिली सॉस, ये मैंने डाली सोया सॉस। तो इन सबको मिक्स करेंगे, फिर मैं इनमें डाल दूँगी हमारे नूडल्स। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और ये जो एग हमने निकाले थे वो डाल देंगे और सबको मिक्स कर देंगे। तो ये सब हमने ऐड कर दिया, अब इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे 5-10 मिनट करके स्लो गैस पे, ताकि अच्छे से सब जो हमने सॉसेस ऐड किए उसमें अच्छे से घुल जाए। तो ये देखो हमारे जो नूडल्स हैं वो रेडी हैं। तो आज मैं प्याज और चीज़ के समोसे बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने प्याज ले ली और ये मैंने चिकन का बड़ा सा क्यूब अब मैं इसमें ग्रेट करूँगी। तो ये देखो मैंने इतना सारा चीज़ ग्रेट कर दी, अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, नमक, थोड़ा सा कोथमीर डालिए, सबको मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखो मिक्स करने के बाद मुझे चीज़ कम लगा, तो इसमें मैंने और एक छोटा वाला जो क्यूब आता है वो ग्रेट करी। अब इन सबको मिक्स कर लूँगी मैं, हमारा बैटर रेडी। देखो माशाल्लाह से मैंने सारे मेरे जो अनियन और चीज़ के समोसे थे वो बना के रेडी कर ली और ये दाल वड़ा बनाने के लिए सारा कुछ रेडी है, बस उसे मिक्स करना है और फ्राई करना है। तो अभी मैं यहाँ पे मम्मी के इधर आई थी इफ्तारी के बाद 8 बजे और ये इमाद देखो नमकीन खा रहा है। इतनी गर्मी आई हूँ जब से एसी में बैठी हूँ, अब भी जस्ट एसी बंद हुआ है और वड़ा पाव खाई हूँ एक इफ्तार का बचा हुआ मम्मी ने दिए थे, बहुत ही यम्मी, बहुत स्पाइसी बनाए थे, मज़ा आ गया। तो जस्ट अभी आई थी, ये तैयारी क्या चल रही है नहीं चल रही है। और मेरा ये दुपट्टे पे ना मेरे को चारों तरफ लेस लगानी है, तो मैं मम्मी के यहाँ मशीन है ना तो वही लेके आई थी कि मम्मी लगा देंगे, क्योंकि अभी टेलर लोग के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो लोग लगाएंगे ये सब दुपट्टे वो पट्टे लगाने का, तो वो लोग के पास आई थिंक बिल्कुल टाइम नहीं है, तो मैं वही दुपट्टा और ये लेस लेके आई थी।
ये वाली लेस जो आजकल बहुत चल रही है, तो मैं बोली थी कि अगर मम्मी को दे दूँगी, अगर उनको टाइम मिला तो वो मेरे दुपट्टे पे लेस लगा देंगे, क्योंकि मेरा जो ईद का ड्रेस है वो इतना हैवी है और जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है मेरे को नहीं लगता मैं वो ड्रेस पहन पाऊँगी। तो मैंने सेकंड ऑप्शन में ये ड्रेस रखी हूँ कि थोड़ा ये भी इतना कोई लाइट नहीं है, अस्तर है इसमें भी, पर देखूँगी तो इसलिए मैंने ये रख के रखी हूँ। तो इसमें लेस लग जाएगा तो ये भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो बाकी गर्मी तो बहुत है यार, बहुत ज़्यादा बॉम्बे में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पूछो मत। मतलब एंड एंड के रोज़े तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। मतलब मेरा तो पूरा दिन सो के निकल रहा है, नमाज़ पढ़ो, खाओ खाओ, सॉरी बच्चों खाओ बोल रही हूँ, खाओ पकाओ खिलाओ और सो, ऐसा हो रहा है। तो बस यही सब चल रहा है। अब कर मेरी एक्टिंग। हाँ, जब से मेरी एक्टिंग कर रहा है। हाँ अब बोल ना, बदतमीज़ बच्चा ये। इमाद के लिए मैंने कोई कपड़े नहीं ली हूँ, कुर्ता पजामा भी नहीं ली हूँ, कुछ नए कपड़े नहीं है इमाद के लिए। इमाद पुराने कपड़े पहनेगा ईद में, क्योंकि उसने एक भी रोज़ा नहीं रखा है। सहरी में उठता है, खाता है, सो जाता है और बोलता है मेरा रोज़ा है, खाता पीता रोज़ा है। देखो, अरे अरे बस मेरे मुँह के पास आके खा रहे हो। अरे मेरा कपड़ा इसमें डाल, अरे मैं दुपट्टा डाल इसमें। तो ये लोग देखो, दरवाज़ा वरवाज़ा सब बंद करके, एसी चालू था, अब भी जस्ट ऑफ किए हैं एसी, और ये बैठे हैं।